हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर बाय राशि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आज की जनरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग और टेस्टी डिश, जिसके लिए हमने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, टमाटो और चीज, पिज्जा सॉस और ब्रेड। और ब्रेड तो हमेशा अवेलेबल होती है जो पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा वेस्ट ना हो तो फौरन बच्चे जब भी चाहें, जब भी आप उनकी छोटी मोटी भूख में, लंच में ये बना के बच्चों को दे सकते हैं। और वैसे भी पिज्जा तो आजकल बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर और हम सब सब्जियों को इस बटर में ही सोते करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, बारीक कटा टमाटर और स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं नमक। फ्रेंड ये फटाफट बन जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। जैसे बच्चे बोले उतने में तो ये बन भी जाता है। इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। और जो भी चीज वगैरह की, पनीर की, जो भी डिश हम बनाते हैं बाहर जो हम लेते हैं, वो कितनी कॉस्टली पड़ती है हमें, और वही चीज हम घर में बनाते हैं तो अच्छी भी होती है, हाइजीनिक भी होती है और टेस्टी भी होती है और कम पैसे में भी बनती है। तो सारी चीजें अगर सोची जाए तो घर में ही बनाने में फायदा है। इसको मैं थोड़ा सा करूंगी बस, बाकी क्रंची रहने दूंगी। फ्रेंड्स अब हम इसे हटा लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, इसे हम अब थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हम इस पर लगाएंगे पिज्जा सॉस। फ्रेंड्स ये पिज्जा सॉस मैंने घर में ही बनाई है और इतनी अच्छी और यमी बनी है। अगर आपको ये इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट में लिख के तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। ये फ्रेंड्स मैंने अभी बनाई थी, बच्चों को तो इतनी पसंद आई फिर उन्होंने वैसे ही खाई, पराठों के साथ भी खा ली। अब हम इस पे डालेंगे अपनी वेजेस। स्वीट कॉर्न तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आता है, बच्चे क्या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। अब उस पे डालेंगे हम मोजरेला चीज और फ्रेंड्स इसे हम तवे पर ही बनाएंगे, जिसके लिए मैंने तवा रख दिया है। चलिए अब इसे हम सेकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने तवे पे इसको रख दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। क्रिस्पी बनेगा जैसे भी, ये कितना करारा हुआ है। और ये देखिए इतना अच्छा और इतना यमी बना है पिज्जा सीजनिंग। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए बस ऐसे ही आप भी बनाइए और सब परिवार वालों को खुश कीजिए, बच्चों को खुश कीजिए, बड़ों को इस सर्दी के मौसम में। और मेरे चैनल फ्लेवर बाई राशि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे जी, धन्यवाद।